Hello everyone, in this video we will be talking about double fertilization. This topic is from chapter number 2, the sexual reproduction in flowering plants. Let's say hamari heading kya kehti hai, double, the name says two times, fine. Koi bhi aisa process jo ek nahi do baar ho raha hai. Fertilization ka matlab hota hai fusion. Fusion is just like combining, to join something. And this is the fusion of cell. और ये सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं गैमिट्स. गैमिट स्पेशल सेल्स मैंने क्यों बोले हैं, बिकॉज दीज सेल्स आर यूनिक इन एन ऑर्गेनिज्म. ये पहले वो सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं. दीज सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. हैप्लॉयड को हम छोटे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब क्या है, दैट दीज आर हैविंग एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. बाकी ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल मिलेंगे उनमें क्रोमोजोम पेयरिंग में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेयर बनाते हैं. गैमिट्स एक ऑर्गेनिज्म तभी प्रोड्यूस करता है तब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेज में आ जाता है. इस स्टेज को हम प्लांट्स में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. Now this whole process, if we are going to summarize, what we can say, double fertilization is a process of sexual reproduction which is occurring in an ovary. Ovary pistil ka last part hota hai. Pistil is what, female reproductive part of a flower. To ovary mein ye hum pura process dekhne wale hai. And in this, fertilization is going to occur between male and female gamete. सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस. सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि जो हमारी ओवरी है वो कैसी नजर आती है. ओवरी के अंदर बेटा छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल हमारे 7 सेल्स होते हैं, यानी उसमें जो सेल्स होंगे, हाउ मेनी सेल्स वी विल बी हैविंग, 7. लुक एट हियर, 3, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. एंटीपोडल्स सेंटर में बच्चे सेल एक रहता है लेकिन उसमें न्यूक्लियाई 2 होते हैं. इसको हम बोलते हैं पॉलर न्यूक्लियाई. नेक्स्ट थिंग, 2 सिनर्जिड्स और इनके ठीक बीच में होता है एग सेल. एग सेल साइड वाले ये 2 क्या है, सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स को क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं. दीज आर गोइंग टू देयर इनसाइड एन ओव्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एंट. एंटीपोडल्स जिस एंट पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कैलेजल एंट. और जहां पे हमारे सिनर्जिड्स और एक्सल रहते हैं, यानी इस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंट. यह हमने पहले भी कर रखा है दैट माइक्रोपाइलर एंट इज द यूजुअली वन जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है. पोलन ट्यूब जब एक ओव्यूल में एंटर करती है तो पोलन ट्यूब के अंदर बेटा गैमेट्स कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट आते हैं. फाइन, ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया है. और ये कौन से एंट से एंटर करती है, जनरली माइक्रोपाइलर एंट से. अब जो हम आगे की स्टोरी देखेंगे वो पोलन ट्यूब के एंट्री करने की बाद की है, कि पोलन ट्यूब जब 2 मेल गैमेट को लेके आ रही है सो इट इज़ वेरी ऑब्वियसली कि फर्टिलाइजेशन होगा तो वो भी 2 बार ही होगा, क्योंकि पोलन ट्यूब में दिस इज फर्स्ट मेल गैमेट. पोलन ट्यूब में हमारे कितने गैमेट हैं, 2, एंड दिस वॉज द सेकेंड मेल गैमेट. So let's see, the first male gamete is going to fuse with the egg cell. First male gamete is going to fuse with the, अब ये जब गैमेट ओव्यूल में रिलीज हो जाते हैं पहला जो गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, एग सेल के साथ. एग सेल कहाँ था, दोनों सिनर्जिड्स के ठीक मिडल में. फाइन, तो एग सेल के साथ इसने फ्यूजन कर लिया है, कॉम्बिनेशन कर लिया है. एंड वॉट इट इज गोइंग टू फॉर्म, द थिंग इज नोन एज जायगोट. जायगोट हमेशा क्या होता है, 2 एंड होता है, डिप्लॉयड है, क्योंकि जो हमारा एग सेल था दैट वॉज हैप्लॉयड, गैमीट वॉज ऑल्सो हैप्लॉयड. तो एक सेट क्रोमोजोम्स का हमारे एग सेल के पास था, दूसरा सेट कहाँ था, हमारे मेल गैमिट लेके आया था. तो एन प्लस एन बिकम्स 2N. और एग सेल और जब फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज होते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगगैमी. The process is named as sing
गैमेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंगामी इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग सेल इन एन ओव्यूल टू गिव राइज डिप्लॉयड जायगॉट। गॉट इट। अब हम देखते हैं सेकेंड मेल गैमेट का क्या हुआ। फर्स्ट मेल गैमेट तो फ्यूज हो गया, एग सेल के बाद सिंगामी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड मेल गैमेट जाता है सीधा सेंटर में, सेंटर में कौन है, पॉलर न्यूक्लियाई। सो इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट सेंटर में चला जाता है, दोनों जब फ्यूज होते हैं तो बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्रोइडी बेटा डिप्लॉयड नहीं हो सकती है, किस लिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं सेंटर में सेल एक है लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने हैं, टू। सो ऑलरेडी हमारा पॉलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड है, 2n। इसके पास क्रोमोसोम सेट कितने हैं, डबल हैं। एक क्रोमोसोम सेट कौन लेके आया, मेल गैमिट लेके आया। तो यहाँ पे तीन हमारे पास क्रोमोसोम सेट हो जाते हैं, इसीलिए एंडोस्पर्म की प्लॉयडी कितनी होती है, 3n। सो एंडोस्पर्म इज नाइदर हैप्लॉयड नॉर डिप्लॉयड, इट इज ट्रिप्लॉयड। तीन तीन क्रोमोसोम सेम आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोस्पर्म। और ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए, तीन कैसे, दो हमारे पॉलर सेल के पास ऑलरेडी थे, एक न्यूक्लियस कौन लेके आया, मेल गैमेट। तो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे एक टर्म आती है, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर, आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर टू गिव राइज ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। अब ये दोनों जो चीज है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनी है, फाइन। तो फर्टिलाइजेशन हमने क्या देखा कि दो बार हो रहा है, एक बार सिंगामी हुई, एक बार हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ। सो दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू सम ऑफ सिंगामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन को अगर आप सम अप करना चाहते हैं, सिंगामी और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का ये क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, बना क्या क्या, जायगॉट एंड एंडोस्पर्म। एंड दिस जायगॉट एंड एंडोस्पर्म इज गोइंग टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सीड। जो हमारे ये ओव्यूल थे, ओव्यूल बच्चे किसके अंदर ट्रैप रहते हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के जो बाहर के टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज बना लेते हैं फ्रूट। तो इसीलिए फ्रूट बाहर होता है जिसको हम बाइट करते हैं, फ्लैशी पार्ट इसका क्या होता है, ओवरी के टिश्यूज। सो ओवरी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड दीज सीड्स आर मेड फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में, क्योंकि ओव्यूल के ही तो अंदर बेटा क्या चल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। गॉट इट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी द विदड्रॉइंग ऑफ ऑल द अननेसेसरी पार्ट, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टामेन थे, वो ड्राई हो जाएंगे। फ्लावर को अब उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू डीजनरेट एंड डी अटैच फ्रॉम द फ्लावर। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्टॉक है उस पर कौन बचता है, ओवरी। अब धीरे धीरे ये जो ओवरी है अपने साइज को इंक्रीज करेगी, माइटोसिस करेगी। अंदर मैंने अभी आपको बताया छोटे छोटे इसमें ओव्यूल्स रहते हैं, जितने ओव्यूल्स हैं उतने सीड बन जाएंगे और बाहर का पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब है, जायगोट अभी बन के रेडी हुआ है बच्चे, अभी हमारा सीड नहीं बना है। तो कैसे जायगोट और एंडोस्पर्म मिलके एक सीड बनाते हैं, वी विल बी गोइंग टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।